मैं विनोद चौधरी आपका वीके सी मैथ सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 है, उसके तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो कल अपन ने जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अपन ने प्रूव किया था कि इवन इंटीजर है वो 2q की फॉर्म में होता है, ओड इंटीजर्स है वो 2q+1 की फॉर्म में होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 3q, 3q+1, 3q+2 की फॉर्म में होता है। और एक अपन ने पढ़ा था कल कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका स्क्वेयर है वो 3q+1 और 3q की फॉर्म में होता है। तो ये कल अपन ने प्रूव किया था। आज यहाँ पर अपने को पढ़ना है, स्क्वेयर तो पढ़ना है यहाँ पे, लेकिन ये स्क्वेयर किसका है, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स का है। यानी कल अपन ने पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है जो प्रूव किया था 2q+1 की फॉर्म में होता है, उसका अपने को स्क्वेयर करना है। तो कल मैंने बताया था कि आपको जब भी स्क्वेयर या क्यूब की बात आए तो आपको डायरेक्टली जो पॉजिटिव इंटीजर्स की कहे या पॉजिटिव ओड इंटीजर्स का कहे या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का कहे तो वो आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए, जिससे आप वो डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो कि वी नो दैट लगा करके। अगर आपको वो याद है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो इस फॉर्म में होते हैं, उसके बाद आप उनका स्क्वेयर या क्यूब कर दो, नहीं तो पहले आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस फॉर्म में होते हैं और फिर उनका स्क्वेयर या क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है उनका स्क्वेयर है वो क्यू के फॉर्म में आंसर लेकर आना है। तो मैंने बताया था कल, अगर क्यू के फॉर्म में आंसर लाना है स्क्वेयर या क्यूब का, तब आप उसको अम की फॉर्म में मान लो। अगर अम के फॉर्म में आंसर लाना, जैसे कल वाले क्वेश्चन में अपने स्क्वेयर में अम के फॉर्म में आंसर लाए थे, तब उसको एज इट इज़ क्यू के फॉर्म में मान लो। तो यहाँ पर अपने को क्यू के फॉर्म में आंसर लेकर आना है। तो जो आप ये जानते हो कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है 2q+1 की फॉर्म में होता है, तो यहाँ आप इस क्यू का रिप्लेसमेंट अम से कर दो, तो ये हो जाएगा 2m+1। तो आप यहाँ पर ये चेंज कर दीजिएगा कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है वो 2m+1 की फॉर्म में होता है। तो अपन बाद में इसका स्क्वेयर कर देंगे और वो स्क्वेयर अपने को क्यू के फॉर्म में लेकर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप ये डायरेक्ट लिख दीजिए कि जो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स है वो कौन सी फॉर्म में होता है, 2m+1 की फॉर्म में होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल्स में कर लिया और आप इस बातें जानते हो। तो आप ये लिख दोगे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप में होता है, और इंग्लिश मीडियम में आप लिख दोगे कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ फॉर्म ऑफ 2m+1। यानी ये इस फॉर्म में होता है, ये आप जानते हो क्योंकि आपने एग्जाम्पल में प्रूव किया हुआ है। अब इसका आपको क्या करना है, स्क्वेयर करना है। तो आप 2m+1 का स्क्वेयर कर दीजिए। 2m+1 का आप स्क्वेयर करोगे तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a+b का होल स्क्वेयर। और a+b का होल स्क्वेयर क्या होता है, a² + 2ab। a की जगह 2 है, b की जगह 1 है, प्लस बी की जगह 1 है, तो 1 का स्क्वेयर। आप जैसे मोस्टली इसमें ये लिखते हो a² + b² + 2ab, तो यहाँ पर ये मत लिखिएगा क्योंकि इसमें आपको लास्ट में वो 1 लेकर आना है, तो फिर अगर आप रिप्लेस करके फिर एक लाइन और ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट ये पैटर्न अप्लाई कीजिए, a² + 2ab + b². तो 2m का स्क्वेयर अब 4m² हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2m से होगा 4m हो गया, और प्लस 1 का स्क्वेयर हो गया 1। अब यहाँ पे अपने को तो 4q+1 बनाना है इसको, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4m कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से आप 4m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 कॉमन आ चुका है, m स्क्वेयर में से कॉमन m आ गया है, तो 1m बच गया, प्लस यहाँ 4m था, 4m कॉमन ले लिया, तो इसमें यहाँ पे क्या बच गया, ये 1। कॉमन का मतलब क्या होता है, 4m को आप इससे डिवाइड कर रहे हो। तो 4m को आप किन किन से डिवाइड कर रहे हो, 4m² को आप 4m से डिवाइड कर रहे हो,
तो फोर से तो फोर कैंसिल हो गया, ये एम इसके एम स्क्वेयर को कैंसिल कर देगा तो क्या आंसर आ जाएगा एम। तो अपना ब्रैकेट में पहला क्या आया ये एम, दूसरा फोर एम है, इसमें आप फोर एम का ही डिवाइड कर रहे हो तो क्या आंसर आ गया वन, क्योंकि ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया ये वन। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस संख्या का आप उसमें डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो जो चीज़ आपने बाहर कॉमन निकाली है। आगे प्लस का क्या है वन। अब अपना तो आंसर फोर क्यू प्लस वन लेकर आना, तो वन तो अपने पास लास्ट में है, इसका मतलब आपको यहां पे जो ये एम और एम प्लस वन है इसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, फिर क्यू लिखना होगा। तो ये जो एम और एम प्लस वन जो ये पूरा बनेगा ये इतना, इसका रिप्लेसमेंट होगा, तो इसका रिप्लेसमेंट किससे होगा एम से, एम और एम प्लस वन का होगा क्यू से। तो ये फोर एम और एम प्लस वन की जगह आप क्या लिख दोगे फोर क्यू हो गया, और आगे प्लस का क्या है ये वन, और यहां इस क्यू की जगह वेयर क्यू इज इक्वल टू एम और एम प्लस वन, ये क्यू है तो क्यू का जो मान है वो एम और एम प्लस एक है, तो इसका फॉर्म कौन सा हो गया फोर क्यू प्लस वन हो गया, और ये आपको प्रूव करना था। तो यहां पे कल अपने जो क्वेश्चन किया था वो क्यू था, यहां पे क्यू क्यू प्लस वन ऐसा आ रहा था तो उसको आप एम मान रहे थे, यहां पर ये एम आ रहा है तो इसको आपने ये क्यू मान लिया, क्योंकि आपको आंसर है वो क्यू के फॉर्म में लेकर आना है तो इसको आप एम के फॉर्म में मानोगे। अब कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी होता है फोर क्यू प्लस वन की जगह यहां पर आ जाए एट क्यू प्लस वन, इस तरह से भी आ सकता है ये, तब आप इसको कैसे करोगे, एट क्यू प्लस वन आ जाए तब यहां पर ये जो आपने लिखा है ये इतना तो सेम रहेगा, ये लाइन सेम रहेगी फोर एम एम प्लस वन, आगे प्लस का क्या है वन। अब आप एक चीज ये जानते हो कि ये जो एम और एम प्लस वन ये दोनों ही क्या है, दोनों ही लगातार, यानी ये संख्या अगर मान लो पांच है तो ये पांच में एक जुड़ रही है छह हो गई, अगर ये छह है तो ये क्या हो गई सात हो गई, तो दोनों ही कॉन्जुगेटिव नंबर है, ये दोनों ही लगातार आने वाली ये संख्या है, तो लगातार अगर कोई भी दो संख्याओं का ये क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एम और एम प्लस वन का मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे आप मान लो लगातार आने वाली संख्या चार का मल्टीप्लाई पांच से कर दो, पाँच का छः से कर दो, छः का सात से कर दो, तो चार का पाँच से करोगे बीस, पाँच का छः से करोगे तो तीस, सात का छः से करोगे तो बयालीस, यानी कोई भी दो नंबर है जो कि कंटिन्यू है तो उनका अगर मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा ही ये जो तीनों नंबर अपने पास आए हैं ये कौन से हैं इवन है, यानी ये सम संख्या है। तो दो लगातार संख्याओं का गुणन करने पर आपको एक सम संख्या प्राप्त होती है, यानी दो कॉन्जुगेटिव आप नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा ही क्या आएगा इवन आएगा। तो यहाँ पे जो एम और एम प्लस वन है ये टू कॉन्जुगेटिव जो इंटीजर्स है उनका क्या है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये ऑलवेज क्या रहता है इवन रहता है। तो इस एम और एम प्लस वन की जगह आप क्या लिख सकते हो इवन का होता है, तो इवन किस फॉर्म में होता है ये टू क्यू के फॉर्म में होता है, क्योंकि आपने कल पढ़ा था कि इवन इंटीजर है वो टू क्यू के फॉर्म में होता है और जो ओड इंटीजर है वो टू क्यू प्लस वन की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपको क्यू के फॉर्म में आंसर लेकर आना है, तो इसको आपने क्या एज्यूम कर लिया ये टू क्यू, क्योंकि एम था और एम को आपने क्यू के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, और आगे प्लस का वन, फोर का टू क्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ गया एट क्यू प्लस वन, तो ये भी प्रूव कर सकते हो आप इस तरह। बस यहाँ पर आपको एक ये लाइन ऐड करनी होगी कि वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर या टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज इवन, सो एम एंड एम प्लस वन इनका जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा टू क्यू, तो ये यहाँ पे फोर का मल्टीप्लाई टू क्यू से हो गया प्लस वन, तो एट क्यू प्लस वन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन है, तो आपको दोनों क्वेश्चन ही अच्छी तरह से समझने हैं और इनको करने भी एट क्यू प्लस वन के फॉर्म में आ जाए तो आपको ये इतना चेंज करना है ये, और अगर फोर क्यू प्लस वन आ जाए तो ये करना है। जो नई बुक है आरबीएससी की उसमें तो ये फोर क्यू प्लस वन है, और जो पिछले साल का उसमें ये एट क्यू प्लस वन से किया हुआ है। तो फोर क्यू से करो चाहे एट क्यू से करो, दोनों में से अगर कोई भी मेथड आए तो आप इनको आसानी से कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का।